हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एंक्यूज एकेडमी में। और आज हम क्लास 7 का जो नया चैप्टर है पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं इसके अंदर जो आपको सीखना है और मुझे सिखाना है। ठीक, तो शुरू करते हैं। पूरे फोकस के साथ में मैं पढ़ाता हूँ और आप पूरे फोकस के साथ में आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ठीक, सेगमेंट का मतलब होता है एक तरीके से टुकड़ा। सेगमेंट का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। एक लाइन ली मैंने, उस लाइन में से एक टुकड़ा काट लिया। एक लाइन ली और उस लाइन में से मैंने एक टुकड़ा अलग कर लिया, तो वो मेरा क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। इसकी मेन बात क्या होती है? इसके अंदर टू एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको कि मेरे पास ये पूरी एक लाइन है, इसमें से मैंने सिर्फ इतना पोर्शन ले लिया। ठीक, मैंने कितना पोर्शन लिया? इतना पोर्शन ले लिया और इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया बी। तो ये क्या हो गया मेरा? ये मेरा एक लाइन सेगमेंट हो गया। क्या हो गया बेटा? ये मेरा एक लाइन सेगमेंट हो गया। इसके टू एंड पॉइंट होते हैं। देखिए, ये यहाँ पर रुक गया है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं लाइन के ऊपर। लाइन क्या होती है? लाइन तो सबको पता होगा कि एक लाइन जो हम खींचते हैं, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। लेकिन मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लाइन एक वो रेखा है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इट मीन्स के वो बढ़ती ही रहती है। ये जो एरो का मतलब है, एरो का मतलब है कि ये इस डायरेक्शन में भी बढ़ रही है और इस डायरेक्शन में भी बढ़ रही है। तो लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। रे, रे आप किसे कहते हैं? रे का मतलब आप सब समझते होंगे, इसको हम बोलते हैं किरण। ठीक, किरण। ठीक, रे। तो रे का क्या होता है? रे का एक एंड पॉइंट होता है। अगर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ से एक एंड पॉइंट लिया और यहाँ से एक रे खींची, तो मैंने इसको दे दिया ओ नाम और इसको दे दिया ए नाम। तो ओ ए मेरी क्या है? ओ ए मेरी एक रे है। रे का क्या है? एक एंड पॉइंट है और फिर दूसरी तरफ ये बढ़ती ही जा रही है। इस तरीके से आप देखते होगे कि सन से जो रेज आती हैं अर्थ पर, तो वो एंडलेसली होती हैं। तो उनका जो एंड पॉइंट है, मतलब का उनका जो इनिशियल पॉइंट है, वो क्या है? वो सन है। वो तो फिक्स है। जैसे मान लो कि ये हमारा सन है। ठीक, यहां से जो रे आ रही है वो नीचे अर्थ पर आ रही है, नीचे अर्थ पर आ रही है। तो उस इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो तो फिक्स है सन, लेकिन ये एंडलेसली कहाँ तक आ रही है ये कुछ नहीं पता। ठीक, अगर आप कमरे में हैं तो ये कमरे में भी आएगी, अगर आप जमीन के नीचे हैं तो ये जमीन के नीचे भी पहुंचेगी। तो मैथ के पर्सपेक्टिव से देखें तो रे का सिर्फ एक इनिशियल पॉइंट या एंड पॉइंट कह सकते हैं। ठीक, तो ये मेरा डिफरेंस था लाइन सेगमेंट, लाइन और रे के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसमें और आगे क्या है बढ़ाने के लिए। अच्छा, अब हम बात करें कि भाई एंगल क्या होता है। सबको पता है, सबने सुना है कि एंगल क्या होता है। एंगल को अपन क्या बोलते हैं? एंगल को बोलते हैं सर कोण। कोण सबको पता है कि 90 डिग्री, 60 डिग्री। कोण को हम काय में मीजर करते हैं? एंगल को हम जो मीजर करते हैं वो डिग्री में या रेडियन में करते हैं। ठीक है ना, डिग्री में बेसिकली जो प्रिफरेबल यूनिट है इसकी वो डिग्री है। एंगल को हम जो है डिग्री में मीजर करते हैं। लेकिन एंगल की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए और अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको एंगल किसी को समझाना है, किसी ऐसे आदमी को समझाना है जिसने कभी पढ़ाई नहीं करी, यानी कि आपको किसी, मैं आपसे बोल दूं कि आपको एंगल समझाना है किसी रिक्शे वाले को, आप कैसे समझाओगे? अगर आप उसको समझा पाए तब तो आपका पढ़ाई करने का तरीका बिल्कुल सही है और पढ़ाई करना आपका सफल है। नहीं तो भाई, यकीन माने, अगर आप किसी रिक्शे वाले को समझा नहीं पाए तो आपका पढ़ाई करने का तरीका सही नहीं है और आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं पढ़ाई करने में। ठीक, इस बात को ध्यान रखिए। एंगल भाई बेसिकली क्या होता है कि एंगल दो रेज होती हैं, दो रेज होती हैं जो कि एक कॉमन पॉइंट से निकलती हैं। दो रेज होती हैं जो कि एक कॉमन पॉइंट से निकलती हैं। उन दोनों रेज के बीच की जो दूरी होती है, जो एंगल होता है, वो क्या होता है? हमारा एंगल होता है। ठीक है ना, तो इसकी डेफिनेशन यही है कि रेस तो पता ही है किसे कहते हैं। तो दो रेस का कॉमन पॉइंट, यानी कि जो इनिशियल पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, जो इनिशियल पॉइंट है वो कॉमन है, यानी कि ये
कॉमन पॉइंट है। तो इस पॉइंट से, कॉमन पॉइंट से जो दो रेज निकल रही हैं उनके बीच जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एंगल कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया एंगल के बारे में। अब बहुत तरीके से दुनिया भर के एंगल है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, उसके बारे में हम 7 क्लास में पढ़ा है, 6 में भी पढ़ा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो ये चैप्टर है इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। ठीक, तो अगला जो टॉपिक है मेरा वो है मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, ये क्या चीज होती है सर? बेटा बता रहा हूं अभी आपको ये क्या होती है। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा ये टॉपिक है और बड़े बड़े एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब आप समझिए किस तरीके से आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सिंपल भाषा में ये मतलब है कि ऐसे दो एंगल, ऐसे दो एंगल जिनको हम क्या करें, ऐड करें तो हमें क्या मिले, 180 डिग्री मिले। ऐसे दो एंगल जिनको हम ऐड करें तो हमें क्या मिले, 180 डिग्री मिले। दो एंगल कौन कौन से सर? एक 90 ले लीजिए, दूसरा भी 90 ले लीजिए। ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, इन दोनों को मैंने ऐड करा तो मुझे क्या मिला, 180 मिला। अच्छा बेटा ठीक है, तो सर क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने एक एंगल ले लिया आपका 50 और दूसरा एंगल ले लिया 30, सॉरी 30 नहीं 40, दूसरा एंगल ले लिया मैंने 40, तो सर मैं इसको भी ऐड कर रहा हूँ तो मुझे 180 मिल रहा है, तो क्या मेरे ये दोनों एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? हाँ बेटा बिल्कुल, ये 50 और 40 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। ये वाला इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ये वाला इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो बोथ द एंगल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ऐसे दो एंगल जिनको जोड़े तो मुझे क्या मिले, 180 डिग्री मिले। ऐसे सारे एंगलों को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ऐसे बहुत सारे पेयर होते हैं, 60 और 30 का पेयर भी होता है। ठीक, 65 और 35 का भी पेयर होता है आपका, 65 6 और 2 8 25 का पेयर भी होता है आपका। ठीक, तो ऐसे जो भी एंगल जिनको आपस में जोड़े, दो एंगल ऐसे जिनको आपस में जोड़े और उनका पेयर मुझे क्या दे, उनका पेयर मुझे 180 दे दे, तो वो क्या है, वो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक, अगला जो टॉपिक है इसी के अंदर वो है मेरा सप्लीमेंट्री एंगल, SUPPLEMENTRY, सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होता है सर, ये क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल? सर आपने बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम समझ गए, लेकिन ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? बेटा ये सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है कि ऐसे दो एंगल जिनको आप ऐड करो। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई भाई, मैंने आपको गलत बता दिया। ये वाला जो था ये सप्लीमेंट्री था, ये वाला जो था ये सप्लीमेंट्री था। तो ऐसे दो एंगल जिनको हम ऐड करें तो क्या मिले, ये काटना पड़ेगा भाई, अगला टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं सर? बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल होते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनको आप ऐड करो तो आपको क्या मिले, 90 डिग्री मिले। अच्छा सर ऐसी बात है? हाँ बेटा ऐसा ही है, ऐसे दो एंगल कोई से भी आप उठा लीजिए और उनको जोड़ के देखिए, अगर उनका सम 90 डिग्री आ रहा है तो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे सर एक एग्जाम्पल दीजिए। बेटा एग्जाम्पल ये है कि मैंने अगर एक एंगल 60 लिया और दूसरा मैंने 30 लिया, अगर मैंने इनको जोड़ा तो मुझे क्या मिला, 90 मिला। इट मीन्स कि 60 एंड 30 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। इसका मतलब ये है कि 60 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है 30 का, और 30 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है किसका, 60 का। तो सर मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ कि मैं अगर 40 लूँ और मैं 50 लूँ, क्या ये दोनों भी सर कॉम्प्लीमेंट्री हैं?
हाँ बेटा बिल्कुल, ऐसे जो भी एंगल जिनको आप जोड़ें और उनका सम 90 डिग्री आए, वो सारे एंगल कैसे होते हैं? वो सारे एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक, अगला मेरा आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सर ये सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? बेटा जिस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, बस इसमें इतना डिफरेंस होता है कि ऐसे दो एंगल्स जिनको आप ऐड करो तो आपको कितना मिले? आपको मिले 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में सिर्फ इतना ही फर्क है कि कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री में दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। सर जैसे मैंने अगर एक एंगल ले लिया 90, तो दूसरा भी अगर मैं 90 लूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा 180। तो सर क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मैंने अगर एक एंगल ले लिया 120 और दूसरा मैंने ले लिया 60, तो ये दोनों भी सर 180 होते हैं, क्या ये भी सप्लीमेंट्री है? हाँ बेटा बिल्कुल, ये दोनों भी सप्लीमेंट्री है। इट मीन्स के 120 एंड 60 आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। और इसका मतलब ये है कि 120 सप्लीमेंट्री है 60 का और 60 सप्लीमेंट्री है किसका? 120 का। बोथ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक, तो ये मेरा सप्लीमेंट्री कंप्लीट हुआ। उसके बाद आगे की कहानी ये आती है कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। ठीक, एडजेसेंट एंगल ये छोटे छोटे टर्म हैं, ये आप याद कर लें, यकीन माने आगे स्टैंडर्ड में और आगे क्लासेस में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि आगे ये आपको ऐसे कोई समझाने वाला मिलेगा नहीं, कोई भी नहीं समझाएगा, सिर्फ क्वेश्चन होंगे, आप उतारोगे और घर चले जाओगे। ठीक, तो देखिए एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट का मतलब होता है बराबर बराबर। एडजेसेंट का मतलब होता है कि बराबर बराबर। तो बराबर बराबर वाले एंगल कौन से होते हैं, जरा देखिए। देखिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसके थ्रू आपको समझाऊंगा। ये मैंने एक रे बना दी और एक मैंने रे ये बना दी और एक रे मैंने ये बना दी। ठीक, तो मैं अगर कहूँ आपसे कि ये मेरी एक आर्म है, आर्म का मतलब समझते हो ना? आर्म का मतलब होता है एक छड़, एक छड़ ये इसी की तरह होती है ना। तो ये मेरी एक आर्म है और ये भी मेरी एक आर्म है और सर ये भी तो एक आर्म है। हाँ बेटा बिल्कुल, ये भी एक आर्म है। अब अगर देखा जाए कि देखिए इसके अंदर दो एंगल बनते दिख रहे हैं आपको, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। अब इन दोनों एंगलों के बनने में ये वाली जो आर्म है, ये वाली जो आर्म है, कौन सी वाली? सर ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो जो मेरी ओबी वाली आर्म है, ये मेरी क्या है? ये मेरी कॉमन आर्म है। क्या आर्म है? कॉमन आर्म है, मतलब कि ये दोनों ही एंगलों के बनने में अपना योगदान दे रही है। और ये कौन सी है? ये मेरी अनकॉमन आर्म है। ठीक, ये मेरी अनकॉमन आर्म है, ये दोनों अनकॉमन आर्म है, ये मेरी कॉमन आर्म है। तो ऐसा होता है कि जब एक कॉमन आर्म दो एंगल बनाए और जो अनकॉमन आर्म है वो उस कॉमन आर्म के दोनों ही अपोजिट में हो, यानी कि देखिए ये अनकॉमन आर्म, सॉरी ये कॉमन आर्म, इसके एक तरफ अनकॉमन आर्म और दूसरी तरफ अनकॉमन आर्म, तो ऐसे जो एंगल बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक, बराबर बराबर वाले एंगल। बात समझ में आई होगी आपको कि दो अनकॉमन आर्म अगर एक कॉमन आर्म के इधर उधर है, यानी कि अपोजिट टू ईच अदर है कॉमन आर्म के, तो जो एंगल बन रहे हैं वो एंगल किसके बराबर होते हैं? उन एंगलों को क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल कहते हैं। और इन एडजेसेंट एंगल के बारे में एक छोटी सी थ्योरम है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक एंगल तो ये बना और एक एंगल ये बना, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि एक एंगल पूरा भी तो बना? एक एंगल ये पूरा भी तो बना, बना नहीं बना? अब ये जो पूरा वाला एंगल है, देखिए सबसे पहले मैं पूरा वाला एंगल लिखता हूँ। पूरा वाला एंगल हम कैसे लिखेंगे? एंगल ए ओ और सी। ठीक, ये एंगल क्या है मेरा? ये मेरा कंप्लीट एंगल है, यानी कि ये पूरा वाला एंगल है। बात समझने की कोशिश कीजिए, ये वाला एंगल, ये एंगल ए ओ सी, ये जो मैंने ओ लिखा है ना, ओ का मतलब है ये पूरा। ठीक, फिर एक एंगल मेरा कौन सा बन रहा है? ए ओ बी, ये ऊपर वाला एंगल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये ऊपर वाला एंगल है। फिर मेरा एक एंगल बना बी ओ सी, ये मेरा कौन सा एंगल है? ये मेरा नीचे वाला एंगल है।
जब ये दोनों एडजेसेंट एंगल है आपस में, तो इसका मतलब ये होता है कि जो मेरा बड़ा वाला एंगल बना ए ओ सी, ये किसके बराबर होता है? एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, यानी कि दोनों एडजेसेंट एंगल का मैं अगर सम करना चाहूँ तो वो मेरा कौन सा बड़ा वाला एंगल मिल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे क्वेश्चंस में बहुत काम आएगी। ठीक, अगला वाला हम टर्म देखते हैं। अगला वाला हमारे पास जो टर्म है वो क्या आ रहा है? अब आ रहा है हमारे पास अगला वाला टर्म, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक, लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं भाई, ये क्या बोला है? ठीक, लीनियर पेयर एंगल थ्योरम होती है, एक लीनियर पेयर एंगल होते हैं, और लीनियर पेयर एंगल किसके बराबर होते हैं हम ये भी देखेंगे यहाँ पर। ठीक, देखिए ध्यान से देखिए, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक मैंने ये लाइन बनाई और यहाँ से मैंने एक रे बना दी, ये मेरा ए ये मेरा बी। ठीक, ये मैंने जो एंगल बनाया एक ये, और एक मैंने एंगल बनाया ये। देखिए क्या मैं इन दोनों एंगलों को, क्या मैं इन दोनों एंगलों को एडजेसेंट एंगल नहीं बोल सकता? हाँ सर, आप बिल्कुल बोल सकते हैं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। बेटा एडजेसेंट एंगल तो हैं, लेकिन मैंने क्या बताया था आपको कि एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, एक कॉमन रे होती है जो कि अनकॉमन रेस के इधर और उधर होती है, एक ऊपर और एक नीचे होती है, होती है जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें ये कॉमन रे तो है मेरे पास, यानी कि ये कॉमन आर्म है और ये अनकॉमन आर्म है, और एक ये भी मेरी अनकॉमन आर्म है। लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर जो अनकॉमन आर्म ऊपर होना चाहिए थी वो अब एक लाइन बन चुकी है, वो इसी वाली आर्म पर आ गई, वो एक लाइन बन गई। तो जब अनकॉमन आर्म एक लाइन के रूप में हो, फिर एक कॉमन आर्म दो एंगल बनाए, तो ऐसे एंगलों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे एंगलों को बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। और इसके बारे में एक थ्योरम है कि जो लीनियर पेयर एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ ए। देखिए ध्यान से, बी ओ सी ये वाला एंगल, सी ओ ए ये वाला एंगल, इसका जो सम है वो 180 डिग्री होता है। ठीक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपके बहुत काम की है, बहुत काम आएगी आगे। देखिए मैं कुछ इसको इसको इस तरीके से भी समझ सकता हूँ। मान लीजिए कि मैंने एक लाइन खींची और मैंने यहाँ पर एक एंगल बना दिया इस तरीके से, ये एंगल यही तो है ना मेरा, ये वाला, देखिए ध्यान से। तो मैंने एक ये एंगल बना दिया, तो आपको पता है कि ये हाफ सर्किल है, ये हाफ सर्किल है, और हाफ सर्किल में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से समझ सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर इस एंगल को डिवाइड कर दूंगा दो भागों में, तो ये प्लस ये बराबर 180। तो हम इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इनका सम हमेशा किसके बराबर होता है? इसका सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, अब जरा मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, और आप मुझे बताइए क्या ये लीनियर पेयर एंगल है या नहीं है। ठीक, देखिए ध्यान से देखिए, बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा टॉपिक है। मतलब कि जैसे मैंने यहाँ लिख दिया वन एंगल और ये एंगल मेरा टू, यहाँ मैंने एक लाइन लगाई है और यहाँ पर मैंने दो लाइन लगाई है, इसका मतलब ये है कि ये इसके बराबर नहीं है। ठीक, कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसा लिख देते हैं। अब आप मुझे बताएं क्या वन और टू लीनियर पेयर एंगल है, बताइए। नहीं सर, ये लीनियर पेयर एंगल नहीं है। बेटा क्यों नहीं है ऐसा? सर ये इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि जो इसमें अनकॉमन आर्म है वो एक लाइन नहीं है, वो अलग से है, इसलिए ये लीनियर पेयर नहीं है। तो बेटा मैं मुझे ये बता दो क्या ये एडजेसेंट एंगल है, बताइए। हाँ सर, ये एडजेसेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन आर्म है, ये अनकॉमन आर्म है, ये अनकॉमन आर्म है, और जो अनकॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के इधर और इधर उधर है। इसका मतलब ये दोनों एडजेसेंट एंगल तो हैं, लेकिन ये लीनियर पेयर एंगल नहीं है। ठीक, तो अब मुझे कुछ ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसका आपने
जो है वो देखा हो कि वो लीनियर पेयर एंगल है और आपके घर में आपको वो महसूस होता हो, आपके घर में आपको वो दिखता हो। ठीक है, देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये आपने देखा होगा आपके घर में, जब आपकी मम्मी अचार वगैरह डालती हैं तो इस वाले टूल से वो अचार को काटती हैं। तो ये एक बेस होता है इसका, इसके अंदर एक ज्वाइंट होता है, इसमें एक पीवट होता है और पीवट से ये कटर जो है वो कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इस कटर और इस बेस के बीच में जो एंगल बना, फिर इधर से जो एंगल बना, ये लीनियर पेयर एंगल है। मतलब कि देखिए ये पूरा कंप्लीट एक हाफ सर्किल होगा, हाफ सर्किल होगा तो ये लीनियर पेयर एंगल है। इट मीन्स कि ये लीनियर पेयर एंगल का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये एक पेन स्टैंड है। पेन स्टैंड का मतलब ये स्टैंड है, इसके अंदर पेन रखा हुआ है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एक कॉमन रे हो गई और ये एक लाइन हो गई, तो दो एंगल बन रहे हैं। तो ये क्या है हमारा लीनियर पेयर एंगल का, लीनियर पेयर एंगल का क्या है एग्जाम्पल है। ठीक, छोटा सा एक टॉपिक और रह गया इसके अंदर, फिर हम इसके अंदर क्वेश्चंस कराने वाले हैं। ठीक, वो मैं करा देता हूँ कंप्लीट, छोड़ूंगा नहीं कुछ, क्योंकि मैं कल जो लेक्चर होगा आपका, वो आपका डायरेक्ट एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर। ठीक है ना, अगला जो टॉपिक है वो मेरा है वर्टिकली एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? देखो भाई, इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि वर्टिकली, वर्टिकली का मतलब होता है कि ये खड़े में, मतलब कि ये खड़े में। अपोजिट का मतलब होता है एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने। और एंगल का मतलब तो आपको पता ही है, ये होता है कोण। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? ठीक, देखिए जरा ध्यान से। अगर मैं दो रे बनाऊं इस तरीके से और ये दोनों रे आपस में इंटरसेक्ट करें, आपस में काटें एक दूसरे को इस पॉइंट पर, तो देखिए ये दो एंगल बन रहे हैं। एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। ठीक, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तो देखिए ये वाला और ये वाला वर्टिकली हो गए, अपोजिट हो गए। ये वाला और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो इसके अंदर ये होता है कि वर्टिकली जो अपोजिट एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल्स। मैं बोल सकता हूं कि एंगल वन बराबर एंगल वन, एंगल टू बराबर एंगल टू। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है और आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चंस मिलते हैं। ये जो मैंने आपको आज बातें बताई हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं और आपके बहुत काम की बातें हैं। आगे जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस सारे के सारे इन्हीं बातों से कनेक्टेड होंगे। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल में, एक एक क्वेश्चन में जो मैंने बातें बताई हैं उनकी एप्लीकेशंस को लगाकर बताऊंगा कि ये किस तरीके से इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, तो पढ़ते रहिए और अगर इस लेक्चर में कोई डाउट हो तो पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।